नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। एक बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई कि जो थॉट है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कर्मा। और सबसे अच्छी चीज मेरी ये क्लियर हुई है कि फैमिली में, फ्रेंड्स में नाजुक जहाँ रिश्ते हैं, जहाँ कुछ बोलने में आर्ग्यूमेंट की चांस है, तो अंदर ही अंदर से अच्छे वाइब्रेशंस और दुआएं भेजें। भले और कोई दूसरा अपने साथ बुरा करे तो वहां दुआ भेजना मुझे मुश्किल हो रहा है, लेकिन कट कर सकता हूँ। दूसरा मेरे साथ बुरा करे जिसकी वजह से मैंने हर्ट क्रिएट किया, इन योर लैंग्वेज, जिसकी वजह से मैंने हर्ट क्रिएट किया, वहां दुआ भेजना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां सिर्फ कट करके नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कट किया सिर्फ तो वहां से आना बंद हो नहीं हो सकता ना। वहां से तो आना नहीं बंद होगा उससे, लेकिन सिर्फ कट किया, कन्वर्ट नहीं किया, मतलब कट किया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया। कट किया इज वेरी गुड। कट किया इन द सेंस, एक सीरीज ऑफ जो नेगेटिविटी अंदर चल रही थी उसको बार बार क्या कहा, स्टॉप, कट, फुल स्टॉप, कट, मतलब उसको बढ़ने नहीं दिया। दुआ का मीनिंग ये है कि मुझ आत्मा से निकलती हुई एनर्जी प्योर हो, ये दुआ है। हम दुआ एक्चुअली दूसरे को नहीं दे रहे, हम सबसे पहले दुआ किसको दे रहे हैं, हम अपने आप को दे रहे हैं, बाय क्रिएटिंग अ प्योर थॉट। अगर आपने ये थॉट सिर्फ क्रिएट की कि भगवान उसको बुद्धि दे, तो आप उसके लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं और उसको दोषी भी ठहरा रहा हूं ना। तो इन द प्रोसेस अपने लिए क्या क्रिएट किया, अपना हर्ट तो खत्म नहीं हुआ। दुआ हमें अपने आप को देनी है, क्योंकि ये कर्म किया किसने था, मैंने, कॉन्सिक्वेंस आया किसके सामने, मेरे सामने। अब हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है, मैं, सब कुछ में तो मैं इन्वॉल्व्ड है, बाहर वाला वो स्टिमुलस है। कर्म पहले का ये किसका था, मेरा, कॉन्सिक्वेंस किसके सामने आया, मेरे, कन्वर्ट किसको करना है, मुझे। लेट्स गो बैक अगेन टू दैट टेबल, वो टेबल मैंने रखी थी कर्म, अगले दिन वो सामने पड़ी थी कॉन्सिक्वेंस, चोट लगी अभी, वो अभी की डेस्टिनी। अब इस केस में मुझ आत्मा को क्या ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम चोट नहीं लगनी चाहिए, दिस इज व्हाट आई हैव टू टेक केयर। तो उसके लिए मुझे क्या ध्यान रखना है कि मुझे टेबल ध्यान से रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किस पे, मुझ पे। अब अगर मैंने सिर्फ ये दुआ क्रिएट की कि हे भगवान टेबल को ठीक जगह रख देना, तो कैसे होगा? कर्म मेरा था, कॉन्सिक्वेंस मेरे सामने आया, हर्ट भी मैंने क्रिएट की, मुझे आत्मा को नेक्स्ट टाइम हर्ट नहीं क्रिएट करनी, तो मुझे उसके लिए अपने संस्कार को बदलना है, उसको बुद्धि देना सिर्फ। क्योंकि इस सिचुएशन में टेबल उसने रखी थी और गिरा मैं। इस सिचुएशन में टेबल उसने रखी थी, कैसे? उसने बुरा भला बोला तो टेबल उसने रखी थी। हाँ? अच्छा, जैसा कर्म वैसी डेस्टिनी। ओके, राइट। एवरी कॉज विल हैव एन इफेक्ट, वी एक्सेप्ट। ओके, ऑल द एनर्जी जो मुझसे निकल रही है बाहर जा रही है कर्म, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ऑल द एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है, टू वेज एनर्जी, जो मेरे से बाहर जा रही है कर्म, जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है इफेक्ट। इफेक्ट ऑल द एनर्जी, तो आई एम द कॉज, ऑल द एनर्जी, then I become the cause. एनर्जी सिर्फ दो प्रोसेस में चल रही है, या तो जा रही है या आ रही है। जो जा रही है वो कर्म, जो आ रही है वो इफेक्ट, वो डेस्टिनी। जो आ रही है, it's a return of mine. This is the line. कि जो एनर्जी आ रही है, it is on the return journey. सुपरस्टार कोई बन गया आदमी दुनिया में, बड़ा एक्टर बन गया, उसके साथ दोस्त पीछे रह गए, वो लोग उससे जेलिस हैं, तो उसका कोई कॉज क्या है मतलब? हमने उस दिन भी देखा, बहुत बड़ा जिग्सो पजल है, अनेक जन्म, अनेक आत्माएं, अनेक एनर्जी एक्सचेंज,
अभी जो हमें दिखता है ना, बहुत मोटा मोटा दिखता है सिर्फ, ये मेरा सक्सेस, ये मेरे साथ जेलस है, तो इसमें मेरी क्या गलती, उनकी जेलसी, जेलसी की एनर्जी अगर मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ जो एनर्जी आ रही है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम कर्म ऑफ माइंड दिस बर्थ और सम अदर टाइम। तो ऐसे तो सारे कोर्ट ही बंद हो जाएंगे, जज बोलेगा कि इसने आपके साथ ऐसा किया क्योंकि यू आर द कॉज, कहीं ना कहीं कुछ किया होगा। लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ द लैंड, द लॉ ऑफ द कंट्री, किसी ने कुछ किया है उसको वो सजा उसकी मिलने वाली है, दैट्स द लॉ ऑफ द कंट्री। जो हम कर रहे हैं अभी, वी आर अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ कर्मा, कि वी डोंट इवन कॉल इट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है जो हमें मिलती है, सजा नहीं, इट्स जस्ट अ रिजल्ट। हमने कल टेबल रखी, अगले दिन हमें चोट लगी, हम इसको सजा नहीं बोलते कि मुझे पनिशमेंट मिली, मुझे सफरिंग मिली, मुझे सजा मिली, नहीं। आज क्या होता है, जब कर्म का फल सामने आता है, कहते इनको पनिशमेंट मिली है उस कर्म की, डू नॉट कॉल इट अ पनिशमेंट, डू नॉट कॉल इट अ सजा, कोई सजा देने नहीं बैठा हुआ, पेनफुल रिटर्न जो है, दैट्स अ पनिशमेंट, इट्स जस्ट अ रिटर्न अगेन, सिंपल। अगर मैंने अपने शरीर का आज ध्यान नहीं रखा, कल बीमारी हुई, वो बीमारी मेरे पास आना वो सजा नहीं है, वो पनिशमेंट नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय कर्मा है, उस कर्मा का कॉन्सिक्वेंस वो ही होना था। इट इज लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप ऊपर से फेंकेंगे वो नीचे खींचेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। कोई बच्चा जाके टेरेस पे खड़ा हुआ जंप किया, नीचे गिरेगा, सुपरमैन की तरह ऊपर नहीं उड़ेगा, बिकॉज इट लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग, लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग, लॉ ऑफ एनर्जी इज वर्किंग। अगर हमें वो लॉ पता नहीं होगा तो हम कहेंगे ये एनर्जी मेरी तरफ क्यों आ रही है, ये एनर्जी क्यों आ रही है, ये क्यों आ रही है मेरी तरफ क्यों। इट इज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड बिलीव कि किसी भी इनोसेंट इंसान को मारा गया या उसके साथ बुरा किया गया। एक टीवी सीरियल है, उस टीवी सीरियल के 500-600 एपिसोड चल रहे हैं, ठीक है, वो 2-3 साल से, पता नहीं 5 साल से ऑन एयर है, अ डेली सोप, ठीक है, उसके 500-600 एपिसोड चल चुके हैं, आज उसका फाइनल एपिसोड है, लेट्स से, ठीक है। आपने नहीं देखा बाकी सीरियल, वो आपने देखे ही नहीं 500 एपिसोड, जो ये लास्ट एपिसोड आता है ना, इस लास्ट एपिसोड में सब कैरेक्टर्स की जितनी कहानियाँ शुरू हुई हुई थी, किसकी किसके साथ क्या 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 क्या, लास्ट एपिसोड जो पहुँचता है ना, तो सारी कहानियाँ क्या हो रही होती हैं, वाइंड अप होती जाती हैं, कंप्लीट होती जाती हैं। अगर आप सिर्फ लास्ट एपिसोड को देखें, आपके माइंड में इतने क्वेश्चंस उठने वाले हैं, ये ऐसे क्यों, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया, इसके साथ यूं क्यों हुआ, इसने तो अभी कुछ नहीं कहा था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वॉचिंग द लास्ट एपिसोड डोंट नो द कंप्लीट स्टोरी, पूरी कहानी नहीं पता है, लेकिन जिसने पूरी कहानी देखी होगी वो कहेगा बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है, इस कैरेक्टर ने ना पहले ऐसे 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 किया, ये उसका रिजल्ट, ये स्टोरी अब ऐसे हो रही है। जिसको पूरी स्टोरी पता होगी, जो एक एपिसोड देखेगा, उसके माइंड में तो बहुत क्वेश्चंस उठने वाले हैं। हमारे ये कॉस्ट्यूम में जीवन एक एपिसोड है, एक एपिसोड है, ये एपिसोड कल के चले हुए एपिसोड का कंटिन्यूएशन है, और कल जो चला था वो परसों के चले हुए एपिसोड का कंटिन्यूएशन था। एक्टर्स बहुत सारे हैं सीरियल में, हर एपिसोड में सारे एक्टर्स भी नहीं आते, किसी एपिसोड में 5 एक्टर्स का रोल है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में वो 5 के साथ 2 हैं, 4 नहीं हैं, ऐसे 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 लंबी स्टोरी है ना, होगा ऐसे या नहीं होगा। फिर एक एपिसोड में सडनली एक कैरेक्टर आएगा जो 50 एपिसोड से आया ही नहीं था, लेकिन 50 एपिसोड पहले वो आया था, फिर वो दिखाया था कि वो कहीं चला गया, 50 एपिसोड बाद वो सडनली आया, आप वो एपिसोड देख रहे हैं, आप कहेंगे अब ये कौन नया, ये कहाँ से आ गया, और ये आकर ऐसे क्यों करने लगा। जो लंबी स्टोरी देख रहा होगा वो क्या कहेगा, राइट है पहले था ये,
अभी आया है फिर से 50 एपिसोड बाद टू नो द कंप्लीट स्टोरी देयर विल बी नो क्वेश्चंस सो देन दैट लाइन जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है इज राइट एब्सोल्युटली इट्स राइट एंड इफ दैट इज राइट देन व्हाई शुड आई डू एनी पुरुषार्थ नाउ जब जब जो जो होना है सो होगा मतलब जब जब जो एनर्जी आनी है वो आएगी फिक्स्ड लेकिन तब तब मैंने क्या करना है This is the purushart. This is the bhagya. तो क्या बोलना है उस वक्त कि भाई ये मुझे होना था हुआ Let me now keep quiet. लेकिन क्यों हुआ? वो क्योंकि किताबों में लिखा है और आप बोलते हैं और ज्ञान बोलता है कि हमने कुछ किया हुआ इसलिए है लॉ ऑफ जैसे ग्रेविटी है कोई चीज जाएगी तो आएगी ये क्यों हुआ मेरे साथ एनर्जी इस डायरेक्शन में क्यों आई शरीर मेरा बीमार क्यों हुआ मन मेरा उदास क्यों हुआ इस रिश्ते में विघ्न क्यों आया कोई एनर्जी क्रिएट हुई थी एंड इट डजंट मैटर क्योंकि नाउ आई हैव द कंप्लीट पावर अब मेरे पास पूरी पावर है टू डू व्हाट कि अब क्या करना है वो आप चुप भी रह सकते हैं तो चुप रहना भी तो कर्म है क्यों क्यों चुप रहना कर्म नहीं है अब चुप रह जाओ होना था हुआ तो चुप मैंने कुछ किया हो गया चुप रहना कर्म नहीं है चुप रहना मतलब हमने बोलो तो मुश्किल नहीं बोलो तो मुश्किल मतलब कुछ करो तो भी कर्म सोचो तो कर्म तो फिर चुप रहना भी कर्म तो फिर क्या करेंगे चुप रहना मतलब यहाँ चुप रहना नहीं हाँ यहाँ क्या क्रिएट किया सब जगह चुप हो जाना मन चुप हो जाएगा हाँ बोल देंगे भाई अपने मन को कि भाई जो जो होना है वो होके ही रहेगा क्योंकि मैंने कुछ किया होगा तो हुआ है एवरीथिंग इज परफेक्ट मन बोलना बंद कर देगा जब उसको पूरा तर्क देंगे पूरी लॉजिक देंगे सोचना बंद नहीं सोचेगा नहीं समझ जाएगा सोचना बंद नहीं करता सोचते ही अभी जैसे मेरे आजकल तो मेरी थॉट आते मैं कट कर देता हूँ सोचना बंद नहीं करेगा क्या सोचना है वो बताना पड़ेगा मन का स्वभाव है सोचना मन की नेचर है सोचना तो बिना सोचे नहीं रह सकते थॉट नॉट पॉसिबल हम डीप स्लीप में भी सोचना बंद नहीं करते गहरी नींद में जब हम जाग रहे हैं तो वी आर क्रिएटिंग अबाउट 30 थॉट्स पर मिनट जब हम सो रहे हैं लाइट स्लीप में है देन इट विल गो डाउन टू 14-10 फिर हम डीप स्लीप में है जिसको हम कहेंगे डेल्टा स्टेज अभी बीटा स्टेज ऑफ द माइंड एक्टिव फिर अल्फा स्टेज रिलैक्स्ड फिर थीटा स्टेज स्लीप ड्रीम फिर डेल्टा स्टेज ड्रीम भी नहीं डीप स्लीप उसमें भी मन एक दो थॉट क्रिएट कर रहा है इट नेवर बिकम्स जीरो तो चुप रहना यहाँ कि जीरो थॉट वो पॉसिबल नहीं है चुप नहीं रहेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक एक्सेप्ट कर लिया मींस कैसी थॉट क्रिएट की ठीक है तो एक्सेप्ट किया ना तो गुड कर्म है तो यही सलूशन है बट देखा जाए तो देयर इज नो अदर चॉइस गन पॉइंट पे एक्सेप्ट करना पड़ा देयर इज नो अदर चॉइस नहीं वी आर मेकिंग आप करेंगे क्या इफ यू डोंट एक्सेप्ट व्हाट कैन यू डू फर्दर कर्मा के पहले मार खाली बस ना इसी को विजडम कहेंगे ना फिर जो आपने कहा समझ आ गई तो विजडम कहेंगे इसको नॉलेज कहेंगे इसमें क्या नॉलेज विजडम मार खाके सीखना विजडम है सीख लिया और परिवर्तन कर लिया ये विजडम है मैं समझता था विजडम वो है जो मारी ना खाए गलती हुई थी वो भी पास्ट में सीख लिया परिवर्तन कर लिया ये विजडम है फिर कल और कुछ सीखेंगे और परिवर्तन करेंगे विजडम है किसी ने आपको आके बेइज्जती कर दी आपकी या कुछ भला बुरा बोल दिया आपने हर्ट क्रिएट किया कैन वी जस्ट कॉल इट अ रिमाइंडर लाइक एन अलार्म कि भाई इतने साल पहले और इतने जन्म पहले कुछ किया था उसका रिजल्ट है आगे मत करना कभी रिमाइंडर है एंड अ चांस टू ट्रांसफॉर्म है एंड अ चांस टू चेंज द कार्मिक अकाउंट है फिर उसको थैंक यू करें क्यों नहीं करें करें शुक्रिया करें हिसाब किताब सामने आया मैं तो बड़ा सॉफ्ट वर्ड किया शुक्रिया आपसे क्योंकि एक बुजुर्ग ने मुझे बड़ा डांट के बोला था क्योंकि ऐसी आर्ग्यू करता गया तो उन्होंने एक लास्ट में से पहले लाइन बोली थी उन्होंने बोला जिन्ना ने मारिया जुतिया उन्हें पैर चुम और चला गया वो बोल के मैं आज तक समझ में नहीं आई थी बात उसका मीनिंग क्या है थैंक दैट पर्सन कि जो जीवन में विघ्न भी आया
वो भी हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आया। अगर हमने उसमें रिस्पोंड सही तरह से किया था, तब बात आई, मैंने सही तरह से रिस्पोंड किया, क्राइसिस आया, हमने उसको पावरफुली फेस किया, हम इम्पावर्ड हो गए उस क्राइसिस में से निकलकर। और दूसरा इंसान जो ये करके गया, उसने जो कर्म बनाए और मुझे सुधार के गया और मेरा एक कार्मिक अकाउंट में से एक अकाउंट, एक एपिसोड कम कर दिया, हाँ। जैसे लॉन्ग 500 एपिसोड का जो सीरियल में से एक साफ कर दिया, मेरी एक कांटा हटा दिया, थैंक यू, राइट। अब इसको हमें सारा दिन पकड़ के इसलिए चलना है ताकि कोई भी सीन आने पर हम ब्लेम नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी सीन आने पर हम क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, तो मेरे साथ क्यों हुआ। दोनों एनर्जी फ्लो अगर क्लियर हो गए तो हर सिचुएशन को फेस करना इजी हो जाएगा। अगर थोड़ा हर्ट भी हुआ, तकलीफ भी हुई, मन जल्दी से आंसर सुना देगा, आंसर सुनाकर वो हर्ट को क्या कर देगा, रिजॉल्व कर देगा, वुंड को हील कर देगा। एनर्जी जो बाहर जा रही है कर्म, एनर्जी जो सामने से आ रही है कॉन्सिक्वेंस, डेस्टिनी, विच मीन्स बॉल जो यहाँ से जा रही है वो कर्म, सामने लगकर जो वापस आ रही है डेस्टिनी। अब सारा दिन की ये बॉल्स को देखते रहो, सामने से तो बहुत सारी आ रही हैं, यहाँ से भी बहुत सारी जा रही हैं, लेकिन जब सामने से आ रही है, नॉलेज नाउ डज नॉट अलाउ मी टू से व्हाई इज दिस बॉल कमिंग लाइक दिस। अब अगर सामने दीवार है और मैंने फिजिकली बॉल मारी, तो हमें पता है ना वो वापस आने वाली है। अब हम वापस आते हुए बॉल को देख रहे हैं, हम ये थोड़ी कहेंगे ये बॉल ऐसी क्यों आई, ये बॉल आकर इस डायरेक्शन में क्यों आई, ये बॉल इस स्पीड पे, डू वी एवर रेज अ क्वेश्चन मार्क? नहीं, क्योंकि नॉलेज है, जो ऐसे मारी थी वो वैसे आ नहीं है, नॉलेज है, सेम नॉलेज को वहाँ अप्लाई करना है। अब जब ये बॉल सामने से आ रही है, वी ओनली सी अब क्या करना है, वी डोंट वेस्ट इवन वन मिनट, इवन वन सेकेंड हम वेस्ट नहीं करते, हम एक थॉट भी वेस्ट नहीं करते ये कहने में ये बॉल ऐसे क्यों आ रही है। नहीं, हमें आंसर ऑलरेडी पता है उसका, जिसका आंसर पता है वो क्वेश्चन नहीं मन क्रिएट करेगा कभी भी। इसीलिए कर्म और फल ये इतना कूट कूट के अंदर भरा हुआ होना चाहिए कि मन कोई क्वेश्चन क्रिएट न करे। पक्का हो गया कि ये जो वापस आ रहा है, ये बॉल इधर से गया था तब वापस आ रहा है, हमारी कितनी सारी थॉट्स बच जाएंगी। हर सीन में पहली सीरीज ऑफ थॉट्स जो चलती है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, कितना भी ट्राई करो क्यों रिजल्ट नहीं मिलता है, ये होल सीरीज ऑफ थॉट्स, इफ व्हाई बट, यस, ये सारे क्वेश्चंस भी थॉट्स है ना जो क्रिएट हो रही है। तो एनर्जी क्या हो रही है, तो जब मन को आंसर नहीं था, मन बहुत सारे प्रश्न करता था, वो प्रश्न नेगेटिव होने के कारण कि बेचारा मैं, मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है, ये होता है, मेरे साथ क्यों, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी वो ऐसे क्यों, ये ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करने की वजह से आत्मा की शक्ति क्या होती, घटती है, मूड क्या होता है, लो हो जाता है। अब स्थिति में उस परिस्थिति को फेस करो तो ताकत कम हो गई ना। साहब आपकी बात समझ में आ रही है, जब ज्ञान ऐसा सब सुन के मैं घर जाता हूँ ना, तो ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कुछ ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने का मन करता है, बचते रहो बचते रहो बचते रहो, एक ऐसा लगता है कि कहीं मैं कोई क्राइम ना कर रूं, कि जैसे कि कोई चोरों के नगर में चला गया हूं, कोई मेरे से कुछ चोरी ना कर ले, इतना अलर्ट रहना पड़ता है। इट बिकम्स अ हैवी, इट्स माय माइंड सेज, फिर तो नेचुरल सेल्फ कैसे जिएगा। माय नेचुरल सेल्फ इज डिवाइन। तो डिविनिटी अगर नहीं आती है, डिवाइन पर नहीं आता है, तो चुप रहना अच्छा है। नहीं, डिविनिटी को इमर्ज करेंगे, ये अक्वायर्ड है, अक्वायर्ड आदत है। तो ऊपर से जब घसेंगे, साफ करेंगे, तो अंदर से निकलेगा, ये आ जाएगी, आने ही वाला है। इस अक्वायर्ड को कभी भी नेचुरल सेल्फ नहीं कहना। तो मेडिटेशन से साफ हो जाएगा, ज्ञान से साफ होगा, मेडिटेशन से साफ होगा, अवेयरनेस से साफ होगा, क्यों नहीं साफ होगा, ऑलरेडी इतना साफ हुआ है,
हम सब अपने आप को देखें कि मैल साफ हुई है नहीं हुई है। हुई है ना, तो जब इतनी साफ हुई है तो इसका मतलब साफ हो रही है। हर चेंज में, शायद परिवर्तन में ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि व्हेन आई स्टॉप ड्रिंकिंग सब लोग मुझे बोलते थे तुम शाम को कितने अजीब से लगते हो, बोले खोए खोए से, खामोश खामोश से, यू बिकम अ बोरिंग कंपनी लाइक दैट। हम जब एक परिवर्तन से गुजरते हैं तो शुरू शुरू में हम परिवर्तन बाह्य रूप से करने लगते हैं, जैसे आपने कहा कम बोलना, अवॉइड करना। किस चीज को अवॉइड कर रहे हैं हम? उलझने को अवॉइड कर रहे हैं। हमारा एक रास्ता है चलने का, ये हमारे जीवन का रास्ता है, ओके, दिस इज द पाथ। पहले हम जो चल रहे थे, हम इधर भी गिर रहे थे, फिर उधर भी गिर रहे थे, फिर इधर भी चोट लग रही थी, वो भी हम चल रहे थे, लेकिन अब संभल संभल के चल अब रहे। हम संभल संभल के चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला कि हर बार जब पैर मुड़ रहा था, हर बार जब पत्थर लग रहा था, इट वॉज कॉजिंग डैमेज, चोट पड़ रही थी मुझे आत्मा पर। तो हमने कहा ओके, चलना तो उसी रास्ते है, विघ्न तो वही आएंगे, आत्माएं रिश्ते तो सामने वही आएंगे, अब मैं संभल के चलूंगा। फर्स्ट स्टेप, पहले तो चोटे खाते खाते चल रहे थे, अब जब संभल के जस्ट चलना शुरू करता है व्यक्ति एक रास्ते पे, तो वो चाल कैसी होती है? इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल वॉक इफ यू सी। वो उसका ध्यान इधर ही है, फिर इधर ही देख रहा है, ऐसे एक पैर रख रहा है, फिर लेकिन वो चोट नहीं खा रहा, लेकिन उसको बहुत ध्यान से संभल के चलना है। तो दिखने में वो लगेगा ये कैसे चल रहा है ऐसे, उसका चोट खाते हुए चलना वो ज्यादा नेचुरल लगता था, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंटली चोट खाते हुए चल रहा होता था, टक टक चोट भी खाता जा रहा है, चलता भी जा रहा है। जब वो संभल के चलने की कोशिश करता है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है देखने वाले को, खुद रुके, देखा, चले, चुप रहे, विड्रॉ हो गए, कट गए, सोके, मन कर रहा है बोलने के, मुंह तक बात आती है, फिर रोक लिया। लेकिन ये थोड़े दिन का फेज है जहां हम जो अनकंफर्टेबल वे ऑफ वॉकिंग था उससे हम कंफर्टेबल पे शिफ्ट होने के बीच के ट्रांजिशन पे हैं। थोड़े दिन में ये ट्रांजिशन होते होते अब संभल कर चलना आसान हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। जैसे गाड़ी चलाते टाइम भी लोग कैसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे दो हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, सीट के ऊपर रिलैक्स करके भी नहीं बैठते, नहीं बैठते। अब हमने ही जब गाड़ी सबसे पहले चलानी शुरू की थी तब कैसे चलाते थे? हाँ, हाँ? बिल्कुल, क्योंकि संभल के। अब तो एक उंगली से भी स्टीयरिंग चला लेते हैं, अब एक हाथ में कुछ सामान है, खा भी रहे हैं, कोई फोन पे भी बात करता है, गाड़ी में जो बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं, जोक सुना रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं, आसपास के लोगों को भी देख रहे हैं, सामने गाड़ियां कौन सी चल रही हैं उसको भी देख रहे हैं, कार चल रही है, सिग्नल आते तो अपने आप पांव रुक जाता है, अपने आप एक्सेलेरेटर पे पहुंच जाता है। लेकिन वो संभलने वाले फेस को तो क्रॉस करना ही था ना, पहले करना ही था। अब इस कार चलाते हुए नॉर्मली हम ऐसे ही चलाएंगे बहुत कंफर्टेबली, सडनली अगर कोई बड़ा विघन आएगा, है ना, एकदम से सामने से किसी ने ठीक से नहीं चलाया, एकदम से कोई ब्लाइंड टर्न आ गया, कुछ ऐसा आएगा ना, हमें फिर से संभलना होगा। अदरवाइज हम आराम से चलते हुए जाएंगे। दिस इज द जर्नी ऑफ आर लाइफ, कि पहले हम चोटे खाते हुए चल रहे थे लेकिन हमने उसको ही नेचुरल कह दिया था। उसको भी हमने नेचुरल क्यों कहा था? क्योंकि हमने ये नहीं कहा था कि वो चोटे मेरे चलने के तरीके की वजह से हैं, तो हमने उस चोट को एक्सेप्ट कर लिया था। हमने कहा रास्ता खराब है, लोग खराब हैं, आसपास वाले बोलते हैं ही ऐसा, है सड़क ही ऐसा, तो क्या करेगा। तो हमने कहा चोट लगना नेचुरल है। हाउ डिड वी से दैट? स्ट्रेस इज नेचुरल, एंगर इज नेचुरल, डिजीज इज नेचुरल, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल, ये सब चोटों को नेचुरल बोला हमने। फियर इज नेचुरल, एक्सपेक्टेशंस आर नेचुरल, डिजायर इज नेचुरल, नेचुरल नेचुरल, सब चोटों को नेचुरल, क्योंकि हमने कहा रास्ता वैसा है। फिर चेंज के दिस वॉज नॉट नेचुरल, मुझे चोट लगे बिना अब इस रास्ते पे चलना है, तो रास्ता तो नहीं बदला, जो ऑब्स्टिकल थे वो भी तो नहीं बदले, लोग जो आने थे रास्ते में वो भी नहीं बदले, तो हमें संभलना तो पड़ेगा। हम इतना बड़ा शिफ्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन से हम एक्सेप्टेंस पर आ रहे थे, डिजायर से हम कंटेंटमेंट पर आ रहे थे,
asking से give पे आ रहे थे. Very beautiful. Asking से हम giving पे आ रहे थे. This is such a big shift. Such a big shift. तो संभले बिना कैसे होगा? तो हमें थोड़ा सा वो फेस क्रॉस करना है जहाँ हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी फील कर सकते हैं. अनकम्फर्टेबल इन द सेंस डिफिकल्ट, भारी. उसने बोला चुप रहो, नहीं जवाब देना वापस. मन कर रहा है जवाब देने का, नहीं. उसको मन कर रहा है समझाने का कि उसने जो किया वो गलत, नहीं. यू नो, सो दैट इज दैट डिसकम्फर्ट दैट विल हैपन. इट इज लाइक अगेन अडिक्शन. नो, जैसे आपने कहा अल्कोहल, मन कर रहा है लेने का, विड्रॉल सिम्टम भी हो रहे हैं उसको नहीं लिया तो हमें भी बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम होते हैं. अंदर से तकलीफ होती है, लगता है इसको पकड़ो और समझाओ अभी इसको, क्या नहीं, मुझे उस रास्ते नहीं जाना है. ये पूरा क्रॉस करते हुए थोड़े दिन में या थोड़े समय में वी विल क्रॉस इट नाउ इन अनदर वे, विच मीन्स हम उसी रास्ते चलेंगे. लेकिन अब एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस रखना हमारे लिए क्या बनता जाएगा? नेचुरल. कंटेंटमेंट, नेचुरल. डिटैचमेंट, नेचुरल. अब आप उसी रास्ते चलेंगे बट इन अ वेरी कंफर्टेबल वे, एंड इट विल बिकम अ नेचुरल वे कि सारे विघन क्रॉस करते हुए बड़ा कंफर्टेबली चल रहे हैं. हम देखते नहीं गांव में कुछ लोगों को इतने नैरो से पाथ पे, इतने नैरो पाथ पे बहने दो मटके भी पकड़ती हैं सिर पे, बच्चे को भी गोदी में उठाती हैं और इतने से रास्ते पे ऐसे कॉन्फिडेंटली बातें करते हुए चलते हैं. कैन वी डू इट? नो, वी कांट डू इट. हम तो अकेले खुद भी चल रहे होते हैं तो उस रास्ते पे हमें चलना मुश्किल है. उनका नेचुरल का डेफिनेशन और हमारा नेचुरल का डेफिनेशन डिफरेंट है. तो सिस्टर, गुड कर्मा को नेचुरल कैसे बनाना? yes. मैं अगले एपिसोड में पूछूंगा. श्योर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू. Every cause has an effect, which means every effect we are experiencing today is the result of a cause. If someone is not being nice to us today, it is an effect of a previous karma. Their behavior today is the return energy of the energy we have sent out before, in this birth or in past births. In a TV series, there is a new episode daily, but it is connected to the earlier episodes. Similarly, our life is a new episode which is connected to our earlier episodes, our lives in other bodies. We understand the story only if we know the episodes are connected, else we question the scenes. When we do not like people's behavior, we need to remember it is the return of karma done in an earlier episode. Our responsibility is to accept it and create pure thoughts for them so that we change the story in this episode and the future ones. When we radiate pure energy to them, we are protecting ourselves and healing them, which stops any negative energy from them to us. When we begin the journey of transformation, initially we will need to pay attention and maybe put in effort. Gradually, it will become our natural self. And the beautiful sanskars will go into a loop.